नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। तो जी हां किसान भाइयों, आप सभी की डिमांड और आप सभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैं आ गया हूं उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के ऊपर। जी हां किसान भाई, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो किसान भाई, आप एक बार इनकी डीलरशिप पर आइए, विजिट कीजिए, आपको एक नहीं कई सारे ट्रैक्टर मिलेंगे। मैं आप स्टॉक में दिखाऊँगा कि कौन कौन से ट्रैक्टर इनके पास अवेलेबल हैं। ये तीसरा एपिसोड हमारा रहने वाला है वीडियो का, जिसमें आपको सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों के बारे में पूरी जानकारी और पूरी डिटेल बताई जाएगी, कौन कौन से ट्रैक्टर है, क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, पूरी जानकारी दी जाएगी। जो हमारे साथ ओनर साहब रहने वाले हैं वो बताएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, यहाँ पर लोन होगा या नहीं होगा, और लोन राजस्थान के लिए या बाहर के फसलों के लिए, पूरी जानकारी हमें वीडियो के माध्यम से बताने वाले। तो सर, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो सर, एक बार यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए आप। सर, ये राजस्थान में अजमेर किशनगढ़। अच्छा जी, उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स। अच्छा जी सर। तो सर, यहाँ पे जो लोन वगैरह की फैसिलिटीज है वो उनके बारे में बता दीजिए एक बार। सर, लोन वगैरह तो सभी हो जाएंगे, प्राइवेट से भी करवाना चाहते हो प्राइवेट से भी हो जाएगा। अच्छा, सरकारी से भी हो जाएगा। यानी कि लोन आप यहाँ आप खुद के एजेंट से भी करवा सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एजेंट है उनसे भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो देख लीजिए किसान भाइयों, इनके पास भी एजेंट है। अगर आप खुद के एजेंट के पास से करवाना चाहते हो तो आप खुद भी यहाँ पे कोई ला के लोन वगैरह करवा सकते हो ट्रैक्टर यहाँ से परचेज करके, और इनके पास भी सुविधा अवेलेबल है, यहाँ से भी आप लोन वगैरह करवा सकते हो। और आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों से लोन वगैरह करवा के दे दिया जाएगा किसान भाई। अगर आप इच्छुक हो यहाँ से लोन करवाने का तो आप करवा सकते हो किसान भाई। तो सर, आज हमारे पास स्टॉक में कौन कौन से ट्रैक्टर रहने वाले हैं? बिल्कुल सभी मिल जाएगा आपको सर। फिर भी स्टॉक में जैसे कि मेसी का स्टॉक आपके पास ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी, तो देख लीजिए किसान भाई, इनके पास जो स्टॉक मिलता है वो सबसे ज़्यादा मेसी का मिलता है, और अदर कंपनियों के ट्रैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ गाड़ियाँ भी इनके पास रहती है जो आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी वीडियो के माध्यम से मैं चेकआउट करूँगा। तो सर, इस ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए आप। सर, ये 97 मॉडल है। अच्छा जी सर। 1,90,000 अब बता दो, फिर भी देख लो एक बार सर, इसकी क्या प्राइस कर रही है? 1,85,000। 1,85,000। तो देख लीजिए किसान भाइयों, मॉडल क्या बताया आपने? 97 मॉडल। 1997 मॉडल ट्रैक्टर है, 241 DI मेसी फर्ग्यूसन में, और 1,85,000 इसकी डिमांड है। और जो भी कलर है कंपनी के साथ का है। सर, इंजन की बात करें तो कितने परसेंट मिलेगा? 30% इंजन मिल जाएगा लगभग इसका, 30% आपको इंजन मिल जाएगा। और टायरों की बात करें किसान भाई, तो लगभग दोनों आगे पीछे के 10% इसमें टायर मिल जाएंगे। और जो इंजन की बात है, बहुत ही अच्छा इंजन है ट्रैक्टर का, बिल्कुल चालू हालत के ट्रैक्टर हैं। दूसरे ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए सर। सर, ये 98 मॉडल है। अच्छा जी। 1035। अच्छा जी। 1,10,000। 1,10,000 इसकी डिमांड है। बिल्कुल। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, शानदार कंडीशन का देखने को मिलेगा, और बहुत ही सस्ते और कम प्राइस के ट्रैक्टर हैं। और प्राइस का किसान भाई की जो प्राइस बताई जा रही है वीडियो के माध्यम से, वो कोई फिक्स नहीं है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। तो देख लीजिए सर, इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा इसका? इसका इंजन मिल जाएगा आपको 40-35 के लगभग मिल जाएगा। 40-45% तक। तो देख लीजिए किसान भाई, लगभग 40-45% इंजन कंप्लीट मिलेगा। टायर देख लीजिए किसान भाई, एक बार टायर दिखा दीजिए किसान भाइयों को, इनके टायर दिखा दीजिए किसान भाइयों को। लगभग आपको टायर मिल जाएंगे 20-30% इनके आगे पीछे के टायर मिल जाएंगे। इसके बारे में बता दीजिए सर। सर, 96 मॉडल है। अच्छा जी। 1,00,000। 1,00,000 इसकी डिमांड है। 1035 DI। तो देख लीजिए किसान भाई, 96 मॉडल ट्रैक्टर है, 1035 DI, 1,00,000 की डिमांड है। और आगे पीछे के टायरों की बात करें तो सर, पीछे के टायर लगभग आपको इसमें 20% और आगे के टायर लगभग आपको 80% देखने को मिल जाएंगे, 70-80% कंप्लीट। और बॉडी पे कलर है कंपनी के साथ का है, कोई रिपेंट नहीं है। धूल वगैरह की वजह से आपको ट्रैक्टर थोड़ा गंदा देखने को मिलेगा, पर बिल्कुल ओरिजिनल और चालू हालत के ट्रैक्टर हैं, किसी प्रकार का कोई इशू रहने वाला नहीं है सर। इसके बारे में सर, गाड़ी भी बिकाऊगी ये सर, देख लीजिए एक बार हो तो। तो सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये 90 मॉडल है, 1,00,000 का। अच्छा जी। 1990 मॉडल है, 1035 DI है, और 1,00,000 इसकी डिमांड है। और प्राइस कोई फिक्स नहीं है किसान भाई, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। और टायरों की बात करें किसान भाई, तो पीछे के टायर लगभग आपको 90% और आगे के टायरों की बात करें किसान भाई, तो लगभग 20% आगे के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। और सर, इंजन की बात करें तो लगभग कितने परसेंट मिलेगा इसका? मिल जाएगा 40-35 40-45% इसका इंजन मिल जाएगा। तो देख लीजिए किसान भाई, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल है, कंपनी के साथ का कलर है, कोई रिपेंट वगैरह नहीं, बिल्कुल चालू हालत का ट्रैक्टर है। अगले वाले ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए सर। सर, ये 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल है। बिल्कुल। अच्छा जी सर। 2,50,000 इसकी प्राइस। 2,50,000 इसकी डिमांड है। तो देख लीजिए किसान भाई, बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है, चालू हालत में देखने को मिलेगा।
पीछे के टायरों की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आपको इसके पीछे के टायर 20% और आगे के टायर भी लगभग 20% देखने को मिल जाएंगे। सर इंजन की बात करें तो कितने परसेंट मिलेगा? इंजन मिल जाएगा आपको 40-45% मिल जाएगा। 40-45% लगभग आधा इंजन इसमें, आधा इंजन आपको ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। और बॉडी पे बिल्कुल कंपनी के साथ का कलर है, कोई रिपेंट नहीं है। और प्राइस किसी भी ट्रैक्टर की फिक्स नहीं है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। किसान भाइयों अगले वाले ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए सर। सर ये 2004 मॉडल है, 2,37,000 रुपये 2,37,000 रुपये इसकी डिमांड है, 2004 मॉडल है। तो देख लीजिए किसान भाइयों, कंपनी के साथ का कलर है, कोई रिपेंट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। देख लीजिए आप चारों तरफ से, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बम्पर टू बम्पर। और टायरों की बात करें किसान भाई, तो आगे पीछे के टायर लगभग आपको 10% इसमें देखने को मिल जाएंगे, कोई इशू रहने वाला नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये सर 2001 मॉडल है, 2,70,000 रुपये 2,70,000 रुपये इसकी डिमांड है, और 2001 मॉडल ट्रैक्टर है। देख लीजिए किसान भाई, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन का ट्रैक्टर है। और पीछे के टायरों की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आपको 90% पीछे के टायर, और आगे के टायरों की बात करें तो 50% आपको आगे के टायर इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इनके पास जो भी स्टॉक था किसान भाई, मैंने पूरा ट्रैक्टर का दिखा दिया है। सर एक बार यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए किसान भाई को। उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर किशनगढ़। अच्छा जी, टोल से 2 किलोमीटर पहले एनएच आठ तो देख लीजिए किसान भाई हो, प्रॉपर NH8 के जस्ट पास में इनकी एजेंसी है। टोल से किशनगढ़ टोल से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ इनकी एजेंसी है। तो एक बार इनकी डीलरशिप पे आइए, विजिट कीजिए, आपको एक नहीं कई सारे ट्रैक्टर हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कोई ना कोई ट्रैक्टर बिल्कुल पसंद आएगा। और किसान भाई प्राइस की जो रही बात, तो प्राइस कोई ट्रैक्टर की पिक्स नहीं है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। और किसान भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सेकंड हैंड ट्रैक्टरों की वीडियो वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे कि आप आसानी से कम कीमत और अच्छा ट्रैक्टर प्राप्त कर सके। किसान भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए।